मास भाई क्या हाल है आपके? भाई आपका चलान कट गया, किस वजह से कटा है कोई पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त हमजा भाई मौजूद हैं और हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ, क्योंकि हमजा भाई को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे। इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसी वाले से हम जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे वहीं पर। दोस्तों ये सुबह सुबह पानी पिला रही है टैंकर पौधों को। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं जहाज चौक पे, जिसे गिद्दड़ वाला बाईपास कहते हैं। और ये जहाज चौक जो है ना, ये टिकटॉकरों का अड्डा है यहाँ पर। ये डीजी खान के टिकटॉकरों के। आप भी टिकटॉक यहाँ बनाते हो? नहीं भाई नहीं। क्यों? हम भाई बिजनेसमैन है, टिकटॉकर नहीं है। अच्छा क्या बिजनेस करते हैं हमजा भाई? हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं। अच्छा चलो, टिकटॉक भी तो एक बिजनेस है। नहीं टिकटॉक बिजनेस नहीं। अच्छा उसे फिर वो क्या, उसे क्या करते हैं टिकटॉकर? टिकटॉक और ये यूट्यूब ये बिजनेस नहीं है भाई। अच्छा यूट्यूब भी बिजनेस नहीं है? हमको सिखा रहा है। अच्छा इस वक्त हम गाजी घाट पे पहुंच गए हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। ये देखें दोस्तों, ये गाजी घाट रोड पे भैंसों का फार्म है। बारिश भी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी बारिश भी तेज हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये आम के बागात हैं, आम के बागात हैं ये सब। हम शेरशाह पहुंच गए और इस तरफ हमजा भाई बैठे हुए हैं। हमजा भाई क्या दे रही है आपकी गाड़ी एवरेज? ये 21 की दे रही है। 21? हाँ 21.3। हाँ 21.3 की एवरेज दे रही है। माशाल्लाह अच्छी एवरेज दे रही है हमजा भाई, अच्छी एवरेज दे रही है। अगले दिन आप 60 से 80 के दरमियान चलाओ तो सही एवरेज है। 60 से 80 के दरमियान? अभी क्या स्पीड है आपकी? 60 है अभी, 60-80 के दरमियान ऐसे। अच्छा अगले दिन आप गए थे, अगले दिन क्या एवरेज दे रही थी? उस दिन नहीं दे रही थी इतनी, मैंने उस दिन एवरेज नहीं देखा था, उस दिन टाइम नहीं था इसलिए। अच्छा 120 पर गया था, 120 या 100 ऐसे, तो उस वक्त दे रही थी 15 की एवरेज, 15.6 ऐसे 6.5। मतलब है जितना प्यार से आप चलाओगे उतना अच्छा एवरेज देगी। अब ये और मजीद भी जा सकती है, 22-23 तक जा सकती है। हाँ 21.3 तक तो पहुंच गई है। हाँ दोस्तों हो चुके हैं।
दोस्तों हमारा चलान कट गया, चलान कट गया। हमजा भाई आपका चलान कट गया, किस वजह से कटा है कोई पता है आपको? ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था ना। ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं भैया, आईडी कार्ड का भी नहीं है। ये है आपका सीट बेल्ट का मैसेज आया होगा, दिखाएं अपना मैसेज। दोस्तों हमारा चलान कट गया है, यूं ही एंटर हुए मुल्तान में, खुशखबरी मिल गई है हमें चलान वाली। ये देखें दोस्तों, ये हमारा चलान कट गया। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर साइड पे भाई साहब जो है ना एक बैठे हुए हैं, तो वो चलान काट दस्ती काट रहे हैं जैज कैश के ज़रिए। यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं, वो दस्ती चलान काट रहे हैं, जो कि इन्हीं का ही बंदा है। दोस्तों अभी हम आया यहाँ पर बन्नू बीफ पुलाव वाले के पास, अभी देखते हैं कोई। दोस्तों ये देखें यहाँ पर वीआईपी सेटअप है इनका, और अभी हमने ऑर्डर किया तो पुलाव खाते हैं फिर अपने काम करते हैं। हमजा भाई ये हैं, ताज़ा चलान काट के आ रहे हैं हमजा भाई। भाई वीडियो हमजा भाई बना रहे हैं, हमजा भाई कैमरा मैन ही कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम अपना पुलाव खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, भूख टाइट लगी हुई है। दोस्तों अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम, और हमजा भाई अभी क्या इरादा है आपका? अभी कहीं चलते हैं, वहाँ पर जूते लेते हैं, शूज़ वगैरह लेने अपने। चलो सही हो गया दोस्तों, अभी जा रहे हैं शूज़ वाली शॉप पे, हमजा भाई के लिए शूज़ वगैरह लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या आगे प्लान है। हमजा भाई अभी कहाँ पर जाएं शूज़ लेने? यहीं पर मॉल ऑफ मुल्तान चलते हैं। मॉल ऑफ मुल्तान, अच्छा यहाँ पर शूज़ अच्छे मिलते हैं? हाँ सही मिलते हैं। दोस्तों ये आ गया मॉल ऑफ मुल्तान मेरे ख्याल से। दोस्तों अभी पहुंच गए मॉल ऑफ मुल्तान, अभी देखते हैं यहाँ पर हमजा भाई क्या। हमजा भाई हमें शूज़ ले दोगे? हाँ अच्छा, हमने पहले ब्लूज के शूज़ पहने हुए, पता नहीं अभी ये किसी को। हमजा भाई दोस्तों चेक कर रहे हैं अपने लिए शूज़ वगैरह, और हम भी बैठे हैं देखते हैं। भाई को भेजा हुआ है कोई, एक सैंपल दिया है, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साइज़ के नहीं रखे हुए थे, भाई गए अभी साइज़ उठाने। ये देखें दोस्तों ये हमजा भाई, ये कौन से शूज़ ले रहे हो आप यार? ये अच्छे नहीं हैं। और कोई देख लें, ये इसका मुझे पसंद नहीं आई है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर जेली ले रहे हैं, भाई बना रहे हैं जेली मिक्स। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत से पैरेट, और हमने इनके साथ सेल्फी भी बनाई है, वो भी वीडियो में लगा देंगे। इस तरफ भाई साहब निकाल रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पर हमजा भाई वालों के मकान पे, और ये अभी सेल कर दिया इन्होंने, अभी वो भाई आ रहे हैं जिन्होंने लिए, और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है। दोस्तों हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का काम था वो हमजा भाई ने अपना मुकम्मल कर लिया, और अभी जा रहे हैं वापस, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।
दोस्तों अभी हम आए के मार्ट, यहाँ पर कुछ सामान लेना था तो ये सामान लेके फिर। हेलो, दोस्तों सामान ले लिए, अभी जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं बिल्ले के डेरे पे, यहाँ पर खाना खाते हैं। हमजा भाई देख रहे हैं क्या ऑर्डर करना है, और उस तरफ ये तुर्किश आइसक्रीम वाला बैठा हुआ है भाई साहब, और फिलहाल है नहीं, ये सामने दुम्बा है। और ये देखें यहाँ का मॉल चेक करें, ये देखें दोस्तों इस तरफ कोई स्पेशल अरेंजमेंट है, किसी की सालगिरह वगैरह होगी शायद। इस तरफ अकेले सेटअप बनाया हुआ है भाई साहब ने। ये देखें दोस्तों ये दुम्बा, इसके साथ की मैंने भी रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी फार्म में। दोस्तों हमारा खाना आ गया, अभी खाना शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मास भाई क्या हाल है आपके? आप सुने मास भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, याद है कर, हाँ याद है बिल्कुल। मास भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आप सुने मास भाई ठीक है, खैरियत से? तबीयत से ठीक है, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज आए हुए थे यहाँ पर मुल्तान, तो वापसी पर यहाँ पर खाना भी खाया और मास भाई से भी मुलाकात। आपको रमजान का चांद भी मुबारक, मुबारक खैर मुबारक, आपको भी मुबारक खैर मुबारक। सुने मास भाई मजे, खैरियत से? दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।